अभय दुबे जी, जो मेरे सहयोगी कुमार गौरव कह रहे हैं, इसी बात को मैं कंटिन्यू करते हुए आपसे सवाल पूछती हूँ। राहुल गांधी को इस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए देखा जा रहा है कि वो 24 के लिए तैयार हो रहे हैं, लेकिन एक सवाल ये है कि राहुल गांधी या कांग्रेस जब भी मजबूत होने की कोशिश करती है, आगे बढ़ने की कोशिश करती है, तो कहीं ना कहीं आपकी पार्टी से ही कोई ऐसी स्टेटमेंट आ जाती है, कोई नेता ऐसा बयान दे देता है कि उस रणनीति को पलीता लगा देता है। इसको कैसे देख रहे हैं आप? नमस्कार सभी साथियों को। देखिए, जहाँ तक राहुल गांधी जी का संदर्भ है, उनका पक्ष है, तो जहाँ वो समाधि पर आज गए हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल बहादुर शास्त्री जी, इन सारे नेताओं सहित राहुल गांधी किसी भी राजनीतिक दल के बयानों के दायरे से बाहर खड़े हो जाते हैं। जिस प्रकार राहुल गांधी जी ने अभी अपने व्यक्तित्व और कृतित्व को देश के सम्मुख रखा है, जो कार्यकर्ता थे, जो हम लोग निरंतर मिलते थे, हम तो जानते थे कि वो दृढ़ इच्छा शक्ति के प्रतीक हैं, और इसलिए ये चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी आलोचना करे उनकी, या कांग्रेस पार्टी से कोई बयान दे, उस बयान के दायरे से बाहर उनका व्यक्तित्व और कृतित्व हो गया है, इसलिए उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे शिवमंगल सिंह सुमन की वो पंक्तियां याद आती है, जब भारतीय जनता पार्टी लगातार भारत जोड़ो यात्रा या राहुल गांधी जी के संदर्भ में बात करती कि मेरी लघुता को ना छुओ, तुम महान हो, बने रहो। मैं मुझे अगर छोटा साबित करना चाहते हो तो आप महानता आपके पास रखो, मेरी लघुता को न छुओ, तुम महान हो, बने रहो, अपने हृदय की वेदना में व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, कुछ भी कर लो मैं कर्तव्य पथ से भागूंगा नहीं। तो राहुल गांधी जी अपने कर्तव्य पथ से, और ये बार बार कहा जा रहा है कि उनकी छवि के लिए नहीं, ये यात्रा है देश की छवि को निखारने के लिए, ये यात्रा है जैसे जिस प्रकार बीते नहीं, अभय जी, तो राहुल गांधी का बयान है ना कि बीजेपी ने मेरी छवि को धूमिल किया, मैंने एक महीने में उनको दिखा दिया, ये तो राहुल गांधी की स्टेटमेंट है। बिल्कुल, राहुल गांधी जी की स्टेटमेंट को अगर आप उसके भावार्थ को समझेंगे तो उनका आशय यही है कि राहुल गांधी की ही छवि नहीं, देश के सामाजिक ताने बाने को, देश के सद्भाव को, देश के युवाओं के रोजगार के अवसरों को, किसान की आमदनी को, गृहणियों के घर के संचालन को, सबको सबको बर्बाद किया, उन सबको निखारने के लिए अगर ये यात्रा करते हैं तो ये उनकी व्यक्तिगत छवि का सिर्फ प्रश्न नहीं रह जाता है, ये समूचे देश की। और इसको उन्होंने तो कहा है कि सिर्फ चुनावी राजनीति से जोड़कर देखने की आवश्यकता नहीं, एक लंबे गंतव्य के लिए निकले हैं वो, और मुझे लगता है कि ये पहला पड़ाव उनकी यात्रा है। और बीजेपी का ये कहना है कि हमें तो कांग्रेस ऐसे ही कोसती है, उनके अपने नेता गड्ढा खोदने के लिए काफी हैं, राहुल गांधी की रणनीति को फेल करने में या उसको पलीता लगाने में उनके नेता ही आगे चलते हैं, तो ये क्या अभी गलती का समय नहीं है कांग्रेस के लिए बिल्कुल भी? या जैसा कि बीजेपी कह रही है कि अगर ऐसे नेता हैं जो उनकी रणनीति से, आपकी पार्टी लाइन से बाहर चल रहे हैं, तो ऐसे नेताओं को बाहर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है कांग्रेस के लिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, आप आने वाले समय में और देखेंगे कि इन बयानों का राहुल गांधी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। जितने बड़े नेताओं का मैंने उल्लेख किया, अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि पर भी गए, तो आज मैं मुखरता से ये बात कहना चाहता हूं कि आज की भारतीय जनता पार्टी अटल जी की विरासत पर अपना अधिकार खो चुकी है। अटल जी ने का वो वक्तव्य मुझे याद है जब उन्होंने सदन में दिया था कि सरकारें आएगी जाएगी, देश और उसका प्रजातंत्र बरकरार रहना चाहिए, तो प्रजातांत्रिक मूल्यों में आज की सरकार, मोदी सरकार, आस्था नहीं रखती। अटल जी की विरासत पर कम से कम इस सरकार का तो हक नहीं है, इस भारतीय जनता पार्टी का हक नहीं है। तो जहां तक राहुल गांधी जी का प्रश्न है, तो मैं फिर कहता हूं कि कितने भी नेता, अभय दुबे हो, गौरव पांडी हो, कोई हो, जो भी बयान दे, उससे राहुल गांधी जी के कृतित्व पर अब फर्क नहीं पड़ेगा, उनकी छवि पर अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो इस राजनीतिक दल के इन छवि को अच्छा और बुरा करने का जवाब तो मैं धनंजय गिरी जी से लूंगी, लेकिन अभय जी एक सवाल का जवाब और दे दीजिएगा, उसके बाद ब्रेक पर भी जाना है मुझे। क्या आप मानते हैं भारत जोड़ो यात्रा से जो जन समर्थन मिल रहा है, जिस तरीके का सपोर्ट है, 24 के लिए विपक्ष का चेहरा राहुल गांधी हो सकते हैं? राहुल गांधी जी चेहरे की राजनीति में विश्वास नहीं करते, चेहरे की राजनीति ने इस देश को बहुत नुकसान पहुंचाया है।
राहुल गांधी जी चार और चरित्र की बात कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि इस देश का नेतृत्व वो किसान करे जिनकी आमदनी 27 रुपए रह गई, वो युवा करे जिनके रोजगार के अवसर को रोन दिया गया, वो अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति रहे जो न्याय की गुहार लगा रहा है, वो नेतृत्व करे। राहुल गांधी जी सामूहिक नेतृत्व में आस्था रखते हैं, व्यक्ति केंद्रित राजनीति में बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते। जी नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।